आज के इस वीडियो में हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में बात करेंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में बात करने से पहले मैं क्लास 11 के कुछ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना चाहता हूँ, जिसमें आपने एल्जेब्रा ऑफ फंक्शन देखे हैं। अगर आपके पास दो फंक्शन ऐसे हैं f फ्रॉम रियल नंबर से रियल नंबर में, और एक दूसरा फंक्शन हो रहा है आपके पास रियल नंबर से रियल नंबर में, तो आप इन दो फंक्शन की हेल्प से और भी फंक्शन बना सकते हैं। जैसे कि आप f प्लस जी, एक नया फंक्शन है, दिस इज़ आप इसको h बोल सकते हैं, तो f प्लस जी दोनों को ऐड करने पर आपके पास फंक्शन है। और ये फंक्शन आपके पास किस तरीके से ऑपरेट होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स सम फंक्शन, f और g का सम फंक्शन, एक फंक्शन है। ये देखो फंक्शन की जगह एक नोटेशन, फिर यहाँ पे जो वेरिएबल हम रखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो ये फंक्शन आपके पास किस तरीके से ओपन होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो इस तरीके से फंक्शन बनाए जा सकते हैं। दूसरे टाइप का फंक्शन आप किस तरीके से बना सकते हैं, एफ माइनस जी, नाम एफ माइनस जी, ये दो फंक्शन नहीं है, अभी एक ही फंक्शन है एफ माइनस जी, इसके ब्रैकेट में एक्स डाला, तो ये आपके पास ओपन इस तरीके से होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो ये हम फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, और भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एफ जी भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एफ जी एक फंक्शन है जिसके ब्रैकेट में अगर आपने एक्स रखा, वैल्यू एक्स पुट किया, तो आपके पास इस तरीके से निकल के आता है। फोर्थ नंबर का फंक्शन हमने इस तरीके से डिफाइन किया, एफ डिवाइडेड बाई जी एक्स, एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, और साथ में आपके पास यहाँ पे लिखा रहता है कि वेन एवर इट इज़ डिफाइंड दैट इज़ जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे पास दो फंक्शन थे और इन फंक्शन की हेल्प से हमने और फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने का कोशिश किया है। एफ प्लस जी बनाया, एफ माइनस जी बनाया, एफ जी बनाया, एफ डिवाइडेड बाई जी बनाया, हम सी एफ भी बना सकते हैं यहाँ पे, सी दैट इज़ ए कॉन्स्टेंट नंबर सी एफ, सी एफ एक्स किस तरीके से यूज़ होगा। अब सी एफ आपके पास एक फंक्शन है, तो ये आपके पास सी इंटू एफ एक्स की तरह यूज़ होगा। तो इस तरीके से बहुत तरीके से आप फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे फंक्शन बना सकते हैं। और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इसी ऑर्डर में एक कड़ी है, जो कि आपको एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने के बारे में बताता है कि आप फंक्शन और किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली कंपोजिशन ऑफ फंक्शन दो फंक्शन की हेल्प से एक नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो है। अब यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में आपको कुछ सर्टेन कंडीशन है, उसको देखना पड़ेगा। तो ये मैंने लिखा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इसमें आपके पास कंडीशन है कि एफ आपके पास दो फंक्शन जो इस तरीके से होना चाहिए, ए से लगा के बी में डिफाइन हो रहा है, और जी आपके पास डिफाइन हो रहा है बी से लगा के सी में। ये डोमेन, ये इसका कोडोमेन, और कोडोमेन से लगा के ये आपके पास सी में डिफाइन होना चाहिए, इस तरीके का है। तो हम एक फंक्शन जिसका नाम हम रख रहे हैं जी ओ एफ डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन जी ओ एफ है, और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जी ओ एफ एक्स इक्वल टू जी एफ एक्स। अब इसको समझने के लिए, ये तो इसका डेफिनेशन हो गया कि आपके पास कंपोजिशन फंक्शन किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन इसको थोड़ा जनरल तरीके से समझते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बरगढ़ में रहता हूँ, ये आपके पास बरगढ़, और मुझको जाना होता है रायपुर, मेरी फ्लाइट लेने के लिए मुझे रायपुर जाना होता है, लेकिन बरगढ़ से रायपुर जाने के लिए बहुत सारी बसेस चलती है, लेकिन फास्ट नहीं चलती है, उनका टाइमिंग थोड़ा मेरे हिसाब से सेट नहीं होता। तो मैं बरगढ़ से एक दूसरे जगह जाता हूँ, जिस जगह का नाम है सरायपाली, और सरायपाली में उतर के दूसरी बस में बैठता हूँ, और फिर मैं पहुँचता हूँ रायपुर। तो मैं यहाँ से दो बसेस ले रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ से डायरेक्ट भी सकता हूँ, बरगढ़ से मैं रायपुर डायरेक्ट जा सकता हूँ। तो आपके पास कंपोजिशन यही है, आपके पास क्या है, बरगढ़ से सरायपाली आपके पास फंक्शन एफ है, और सरायपाली से रायपुर आपके पास एक फंक्शन जी है,
और GOF जो आपके पास फंक्शन है वो डायरेक्ट जो बरगढ़ से रायपुर के बीच चलने वाली बस मान सकते हैं इसे आप। क्या है, बरगढ़ से सरायपाली, ये बीच में आता है, सरायपाली आपके पास बीच में आता है, बरगढ़ और सरायपाली रायपुर के। तो बरगढ़ से सरायपाली जाने के लिए एक बस, सरायपाली से रायपुर जाने के लिए दूसरी बस, लेकिन हम अगर चाहे तो बरगढ़ से रायपुर डायरेक्ट जा सकते हैं। तो अगर आपके पास ये दो बसें हैं तो दोनों बसों को मैं डिलीट करके एक नया बस बनाता हूँ जिसका नाम है GOF, कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ। तो इसके लिए सरायपाली का कॉमन होना जरूरी है, सरायपाली का कॉमन होना जरूरी है कि अगर सरायपाली होगा तो ही हम इस तरीके से बस चला सकते हैं। तो फंक्शन में आपके पास सेम है, देखो ऐप आपके पास ए से बी में जा रहा है, जी आपके पास कहाँ से कहाँ जा रहा है, बी से लगा के सी में जा रहा है। अब जो आपके पास GOF है वो आपके पास जाएगा ए से लगा के डायरेक्ट सी के अंदर। जी कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, सेट ए से लगा के सी, सेट सी तक, मतलब बरगढ़ से लगा के डायरेक्ट रायपुर तक डिफाइन होगा। तो ये आपके पास एक नए टाइप का फंक्शन आ गया है जिसको हम कंपोजिशन फंक्शन बोलते हैं। तब कंपोजिशन फंक्शन के कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं, या पिक्चोरियल फॉर्म में अगर देखेंगे, जैसे कि NCERT बना रखा है आपके पास FX इस सेट से लगा के तीन सेट बना रखे हैं, तीन सेट है, ये पहला वाला सेट ए, ये सेट बी, ये सेट सी, ये वाला फंक्शन है यहाँ से लगा के यहाँ तक F, यहाँ से लगा के यहाँ तक जी, और हम एक फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं जो यहाँ से लगा के यहाँ तक डिफाइन होगा और उसका नाम होगा GOF। नाम जी से स्टार्ट हो रहा है, पहला वाला फंक्शन आपके पास F है लेकिन पहले जी फिर ओ फिर F, ये ओ जी कंपोजिशन के लिए यूज होता है ओ। अब देखिए ये कैसे वर्क करता है, सपोज आपके पास X एक एलिमेंट है, इसका इमेज आपके पास इस सेट में जा रहा है Y पे, और जब Y यहाँ पे है तो G फंक्शन के अंडर Y आपके पास जा रहा है Z पर। तो अभी आपके पास GOF के अंदर देखो X की GOF आपके पास डिफाइन कहाँ से कहाँ तक होगा, A से लगा के C तक, और GOF के अंडर A से लगा के C तक डिफाइन हो रहा, तो A के हर एक एलिमेंट की इमेज यहाँ पे मिलेगी। तो X की इमेज क्या होगी, X Y पे गया, Y से डायरेक्ट Z पे गया, मतलब GOF डायरेक्ट देता है कि आप X से जाइए Z के ऊपर। तो अगर आप इस तरीके से जा रहे हैं तो जो नया फंक्शन बना है, नया रूट जो बना है, उसको हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इस कंपोजिशन को समझने के लिए, जैसे कि आपके पास मैं एक NCERT का एग्जांपल लेना चाहता हूं, तो उसके लिए आपको एक मिनट वेट करना पड़ेगा, तब तक मैं इसको ओपन कर लेता हूं। गाइस GMLMHN, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन दो स्टेप को एक स्टेप में कन्वर्ट करने का तरीका है, और वो आपको एक पर्टिकुलर कोई सा भी आप सिंपल एग्जांपल लेके समझ सकते हैं, वहां से आपके पास क्लियर हो रहा है। अब कंपोजिशन के लिए हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, और एग्जांपल आपको NCERT का एग्जांपल दिखाएंगे, NCERT के एग्जांपल बहुत अच्छे हैं, और अगर आप NCERT के एग्जांपल सीक्वेंस वाइज करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने की चांसेस आपके पास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए NCERT का ये वाला फंक्शन देखते हैं, 15 नंबर, ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 15 एंड वी वॉन्टेड टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल, एंड बेसिकली वी नीड टू फाइंड द कंपोजिशन। सो वाट काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, और वाट काइंड ऑफ द क्वेश्चन, ये जो हमने अभी किया है वो तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके किया, लेकिन हमें अगर एग्जामिनेशन में हमारे पास आ गया तो हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो देखिए आपके पास ये एग्जाम्पल 15 NCERT का एग्जाम्पल है, और यहाँ पर आप देखिए ऐप आपके पास कहाँ से कहाँ डिफाइन है, एक सेट है 2, 3, 4, 5, यहाँ से लेके आपके पास डिफाइन है 3, 4, 5 और 9 तक। फिर आपके पास देखिए जी कहाँ से कहाँ डिफाइन है, 3, 4, 5, 9 से 7,
11, 15, ये आपके पास इस सेट से एफ डिफाइन है, इस सेट से जी डिफाइन है, और हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि जी ओ एफ को निकालिए। यहाँ से यहाँ जो फंक्शन होगा जी ओ एफ, सेकेंड वाला फंक्शन फिर पहला वाला फंक्शन, नोटेशन के अंदर ये यूज़ करते हैं। और इसका डेफिनेशन अभी हमने स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिया है कि कंपोजिशन किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, कि जी ओ एफ फंक्शन है, इसके अंडर हमने एक्स अगर रखते हैं तो ये इस तरीके से ओपन होता है, जी एफ एक्स। अब हमको जी ओ एफ निकालने के लिए बोला है, तो जी ओ एफ निकालने के लिए इसका मतलब क्या है, जी ओ एफ आपके पास किस सेट से किस सेट में डिफाइन हो रहा है, ये आपके पास पहले सेट से तीसरे सेट के अंदर डिफाइन हो रहा है। तो जी ओ एफ जो फंक्शन है 2, 3, 4, 5 से लगा के डिफाइन हो रहा 7, 11, 15 तक। इसका मतलब हमें जी ओ एफ फंक्शन निकालना, इसका बेसिक मीनिंग है कि 2 की इमेज निकालना, 3 की इमेज निकालना, 4 की इमेज निकालना, 5 की, और जब चारों एलिमेंट की इमेज अगर हमारे पास आ गई है तो इसका मतलब हमारे पास फंक्शन आ गया है। तो हम ये सिंपली इन सब एलिमेंट का इमेज निकालेंगे। तो आप निकालेंगे जी ओ एफ सबसे पहले 1। जी ओ एफ निकालना मतलब डोमेन के हर पॉइंट की इमेज निकालना। तो जी ओ एफ 1 किस तरीके से ऑपरेट होता है, उसका डेफिनेशन ये, जी फिर बड़ा वाला ब्रैकेट आप एफ वन यहाँ पर रखते हैं। अब एफ वन का इमेज क्या है, आपको ये आपको यहाँ पे दे रखा है, देखो एफ वन का इमेज कितना है, सॉरी मैं जी वन का इमेज नहीं निकाल रहा हूँ, लेट मी डिलीट इट, टू का निकालना है हमको, यहाँ से इन एलिमेंट का निकालना है। तो सबसे पहले मैं किसका इमेज निकालूंगा, जी ओ एफ टू का, तो ये आपके पास क्या होगा, जी एफ टू। अब एफ टू की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी कितना है, देखिए ये रहा एफ टू की वैल्यू आपके पास 3। तो अब इसके अंदर रखिए आप जी ब्रैकेट के अंदर, ये इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू 3, और जी थ्री की वैल्यू आपको दे रखा है, जी थ्री और जी फोर दोनों इक्वल है, उसकी वैल्यू है 7, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 7। इसका मतलब जी ओ एफ फंक्शन के अंडर 2 का इमेज आपके पास 7 आ गया। इसी तरीके से आप निकालेंगे जी ओ एफ 2 के बाद कौन सा एलिमेंट है, 3, तो 3 की इमेज निकालेंगे, तो सिमिलरली इसी तरीके से जी एफ 3, जी के अंदर एफ 3 की वैल्यू रखेंगे हम, एफ 3 की वैल्यू यहाँ पर देर की 4 क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, और जी 4 की वैल्यू देर की 7। सिमिलरली हम निकालेंगे जी ओ एफ 3 के बाद में आपके पास 4, और इसकी वैल्यू किस तरीके से आएगी, जी एफ 4, और एफ 4 को अगर हम सोल्व करेंगे तो एफ 4 का वैल्यू वहाँ पे दे रखा है, एफ 4 और एफ 5 दोनों इक्वल, इसकी वैल्यू है 5, तो 5। और जी 5 की इमेज क्या है, जी 5 और जी 9 दोनों की इमेज आपके पास 11 देर की, तो ये आपके पास आ गया 11। इसका मतलब अभी आपके पास लास्ट वैल्यू किसका रहा, जी ओ एफ 5 निकालने का, तो जी ओ एफ 5 में यहाँ पर निकाल रहा हूँ, जी ओ एफ 5 क्या आएगा, इसको ओपन किया तो जी ब्रैकेट के अंदर एफ 5, एफ 5 की वैल्यू आपको दे रखी है 5, तो जी इक्वल्स टू 5, और जी 5 की वैल्यू आपको दे रखी है 11, क्वेश्चन के अंदर 11 दे रखी है, तो ये आपने निकाल ली। ये निकालने का मतलब आपने जी ओ एफ निकाल लिया है। तो जब आपके पास छोटा एग्जाम्पल दे रखा है तो आप इस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल दे रखा है तब आप किस तरीके से करेंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स, इसी का एग्जाम्पल नंबर 14 है, मैं वहाँ से कॉपी करूँगा, आप उसको देखिए एक मिनट के लिए, इंसर्ट स्क्रीन क्लिपिंग, ओके सो वी हैव एग्जाम्पल नंबर 16 आउट हियर एंड वी वांटेड टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल। इसमें देखो कंपोजिशन की बात की गई है, यहाँ पे देखो जी ओ एफ के अलावा एक नया कंपोजिशन फंक्शन एफ ओ जी के बारे में बात की गई। जब भी आप एफ ओ जी के बारे में बात की गई तो इसका मतलब क्या है, एक फंक्शन है जो पहले जी से लगा के एक फंक्शन है, तीन सेट में पहले वाला फंक्शन है जी और दूसरा वाला फंक्शन है आपके पास एफ, इस तरीके से यहाँ पे हो रखा है, तो आपको एफ ओ जी निकालना पड़ेगा। तो देखिए अगर आपके पास, पहले इस चीज़ को हम क्लियर कर लेते हैं कि जी ओ एफ और एफ ओ जी जरूरी नहीं कि डिफाइन हो,
जैसे कि हमारे पास अगर सेट ए है, ये सेट बी है, सेट सी है, यहाँ से यहाँ वाला फंक्शन एफ है, यहाँ से यहाँ वाला फंक्शन जी है, तो इस केस के अंदर जी ओ एफ डिफाइन पॉसिबल है, बीच वाला सेट सेम है, तो हम सेकेंड वाला फंक्शन नोटेशन के लिए पहले लिखते हैं, फिर दूसरा वाला फंक्शन हम यहाँ पे लिखते हैं, तो जी ओ एफ डिफाइन। लेकिन अगर कोई इसी केस के लिए बात करे कि मैं तो एफ ओ जी डिफाइन करना चाहता हूँ, तो एफ ओ जी के लिए क्या चाहिए? एफ ओ जी इस केस के अंदर आपके पास डिफाइन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप एफ ओ जी लिख रहे हैं, इसका मतलब पहला वाला फंक्शन आपका जी है, और जी आपका कहाँ से कहाँ डिफाइन हो रहा है? बी से लगा के सी में, और फिर एफ आपका कहाँ से कहाँ डिफाइन हो रहा है? ए से लगा के बी में, तो ए से लगा के बी में, ये आपके पास जी फंक्शन, ये आपके पास एफ फंक्शन। तो इसका जो ये कॉमन वाला सेट, ये सेट दोनों इक्वल होंगे तभी तो आपके पास एफ ओ जी डिफाइन किया जा सकता है। तो हर केस के अंदर अगर हम सोचे कि जी ओ एफ और एफ ओ जी दोनों डिफाइन किए जा सकते हैं, तो वो ट्रू नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि फंक्शन आप सेटअप कीजिए और बी वाला जो आपके पास कॉमन है वो कॉमन आना चाहिए। अगर वो कॉमन नहीं आ रहा है तो आपके पास एफ ओ जी डिफाइन नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें तो एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों की बात की गई, उसका क्या कारण है? देखिए, अगर आपके पास कोई दो फंक्शन ऐसे हैं, एक चीज यहां पर नोट कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ है वो ए से लगा के बी में डिफाइन है, और जी जो फंक्शन आपके पास बी से लगा के ए में डिफाइन है, तो उस केस के अंदर एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों डिफाइन किए जा सकते हैं। उस केस के अंदर एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों डिफाइन किए जा सकते हैं। कैसे किए जा सकते हैं? आप देखो इसी को देख सकते हैं, क्योंकि देखो सबसे पहले एफ ओ जी अगर डिफाइन किया जा सकता है, तो इसका सेटअप बनाइए आप। पहला वाला फंक्शन जी होगा, एफ ओ जी जब भी बात करिए तो पहला वाला फंक्शन जी, दूसरा वाला एफ। अब आप सेट लिखिए, जी कहां से कहां डिफाइन है? बी से लगा के ए में, और एफ कहां से कहां पे डिफाइन है? ए से लगा के बी में। तो इसका मतलब बीच वाला सेट आपके पास कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ये डिफाइन किया जा सकता है, और जी ओ एफ भी डिफाइन किया जा सकता है। और जी ओ एफ का हम स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहें, तो दूसरे नंबर पर फंक्शन एफ है तो वो पहले नंबर पर आएगा, एफ जी ए से लगा के बी में डिफाइन है, और जी ऑब्वियसली बी से लगा के सी में डिफाइन है, तो ये बीच वाला कॉमन आ रहा है तो वो डिफाइन किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि जी ओ एफ और एफ ओ जी डिफाइन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अभी हमारे एग्जांपल के अंदर एफ भी आपके पास रियल नंबर से रियल नंबर भी डिफाइन है, जी भी आपके पास रियल नंबर से रियल नंबर भी डिफाइन है, तो इस केस में एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों डिफाइन किए जा सकते हैं। आप ऐसा सेटअप बना के चेक कर सकते हैं कि एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों बनाए जा सकते हैं या नहीं बनाए जा सकते। हमको कह रहा है कि आप दोनों जी ओ एफ और एफ ओ जी दोनों निकालिए, फिर आप देखिए कि आपके पास ये दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए। तो आपके पास एफ फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर भी डिफाइन, जी भी आपके पास रियल नंबर से रियल नंबर भी डिफाइन। एफ एक्स का डेफिनेशन है कॉस एक्स, और जी एक्स का डेफिनेशन है 3x². अब इस केस के अंदर हम एफ ओ जी फाइंड करेंगे। सबसे पहले एफ ओ जी फाइंड करना है, ये फंक्शन हमें निकालना है, तो इसका मतलब हमको निकालना है एफ ओ जी एक्स। अब एक्स बहुत सारी वैल्यूज है, रियल नंबर में बहुत सारी वैल्यूज, तो हम इसको जनरल लेके चलेंगे। हम ऐसे नहीं कि जी एफ ओ जी वन का वैल्यू निकालेंगे, टू का निकालेंगे, थ्री का निकालेंगे और बाकी वैल्यूज का भी निकालते रहेंगे, हम जनरल पॉइंट का निकालेंगे। तो एफ जी एक्स, और ये अब देखो जी एक्स का वैल्यू कितना है? 3x², तो एफ 3x². अब ये फंक्शन किस तरीके से ओपन होगा? एफ की डेफिनेशन क्या है? अगर यहाँ पे एक्स रखते तो उसके आगे कोस लग के आता है, तो आपने 3x² रखा तो उसके आगे कोस लग के आएगा, दैट इज 3x². तो आपके पास एफ ओ जी फंक्शन जो आया है वो कोस 3x² आ गया। दूसरा अगर आप निकालेंगे, जी ओ एफ निकालेंगे, तो जी ओ एफ क्या आएगा? जी ओ एफ एक्स निकालना पड़ेगा आपको, और इसको किस तरीके से ओपन किया जाता है? जी एफ एक्स, और एफ एक्स का वैल्यू कितना है? कॉस एक्स,
और जी कॉस एक्स को अगर हम ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आने वाला है, क्योंकि जी की डेफिनेशन अगर आप एक्स ड्रॉप करते हैं तो थ्री से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बनता है, तो यहाँ पर थ्री आएगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की जगह की है तो कॉस एक्स उसका स्क्वायर। और यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि दोनों आपके पास इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब एफ ओ जी इज़ नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, ये जनरली इक्वल नहीं होता, लेकिन कभी कभी आपके पास इक्वल हो भी सकता है, इसकी हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन इन जनरल आप मोस्टली एग्जांपल में देखेंगे तो ये इक्वल नहीं होता है, और इसी चीज को बताने के लिए आपके पास ये एग्जांपल दिया गया था। अब देखिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो गया, अब आपने क्लास इलेवंथ में एक आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा है, आपने कौन सा फंक्शन पढ़ा, एक आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन को आप समझिए क्या है। आइडेंटिटी फंक्शन आपने क्लास 11 पढ़ा कि रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन होता है, और इसमें अगर आप एफ एक्स रखते हैं तो आपके पास एक्स ही निकल के आता है, जो आप रखोगे वही वैल्यू आउटपुट आएगा, तो ये आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। लेकिन अगर कोई फंक्शन आपके पास इस तरीके से एफ डिफाइन है और वो रियल नंबर से, सपोज आपके पास ए से ए में डिफाइन है और एफ एक्स का डेफिनेशन है एक्स, जो आप ड्रॉप करते हैं वही निकल के आता है, तो इस फंक्शन को इस तरीके से लिखा जा सकता है, आई ए आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम सेट ए, जहां से डिफाइन होता है वहां पे इसको यहां पे लिख देते हैं, इसका मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ए ए पे डिफाइन है, ए से ए में, और ए का जो भी वैल्यू रखते हैं वो निकल के आता है। अब देखिए आइडेंटिटी फंक्शन आपके पास कहाँ पे यूज़ होगा, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है हमारे पास, और वो हम इन्वर्टिबल फंक्शन के अंदर पढ़ेंगे। इन्वर्टिबल फंक्शन, तो इसको कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम कंपोजिशन से ही स्टार्ट करेंगे कि आपके पास एक फंक्शन एफ है वो ए से लगा के बी में डिफाइन है, जी एक ऐसा फंक्शन है जो बी से लगा के ए में डिफाइन है, क्लियरली एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों निकाले जा सकते हैं। अब एफ ओ जी आपके पास किस कहां से कहां डिफाइन होगा, जी वाले सेट से जी बी से लगा के ए में आपके पास डिफाइन होगा, नहीं एफ ओ जी आपके पास कहां पे, ये फंक्शन जी का डेफिनेशन है बी से लगा के फिर बी में डिफाइन होगा, एफ जी ओ एफ आपके पास कहां से कहां डिफाइन होगा, एफ की वैल्यू ए तो ए से लगा के ए में डिफाइन होगा। अब यदि जी ओ एफ एफ ओ जी जो है एफ ओ जी का वैल्यू अगर आपके पास आइडेंटिटी ऑफ बी के इक्वल आ जाता है और जी ओ एफ का वैल्यू अगर आपके पास आइडेंटिटी ऑफ ए के वैल्यू आ जाता है एक्स के, आइडेंटिटी ऑफ बी एक्स मतलब आपके पास सिंपली एक्स, आइडेंटिटी ऑफ ए मतलब सिंपली आपके पास एक्स, अगर ये आपके पास आ जाता है तो f और g एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन कहलाते हैं और f और g आपके पास इन्वर्टिबल फंक्शन है। मतलब अगर आपके पास कंपोजिशन दो फंक्शन का आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है तो वो फंक्शन आपके पास इन्वर्टिबल फंक्शन है और वो जो नया फंक्शन है वो आपके पास इसका इनवर्स फंक्शन कहलाता है। देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या, स्टैंडर्ड किस तरीके से लिखेंगे, लेट बी is said to be invertible function if there exists a function g from set B to set A such that f of g is also identity function and g of इज ऑल्सो आइडेंटिटी फंक्शन। ये अगर आपके पास दोनों फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन अगर आ रहे हैं, एफ ओ जी एक्स इक्वल टू जी ओ एफ एक्स आ रहा है आपके पास, तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल कहलाता है एंड जी इज सेट टू बी, जी इज सेट टू बी इनवर्स ऑफ एफ, एफ का इनवर्स फंक्शन उसको हम कहते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं
और एग्जांपल से हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि इनवर्स फंक्शन वाकई में क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। तो आप एक सिंपल सा फंक्शन देखिए। देखो इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि f, जरूरी नहीं कि इन्वर्स फंक्शन हर फंक्शन का निकल जाए, कुछ फंक्शन का निकलता है और जिन जिन फंक्शन का निकलता है वो फंक्शन हमेशा 1-1 एंड 1-2 होते हैं, है ना। f इज इन्वर्टिबल, आपके पास एक थ्योरम है f इज इन्वर्टिबल और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है इफ एंड ओनली इफ f इज 1-1 एंड ऑन टू, 1-1 एंड ऑन टू। ये आपके पास एक थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर कोई इन्वर्टिबल फंक्शन है या उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो 1-1 और ऑन टू होगा, और अगर कोई फंक्शन 1-1 और ऑन टू है तो वो 100% इन्वर्टिबल फंक्शन होगा और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। एक छोटे से एग्जाम्पल से इन्वर्स वाले कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करते हैं कि आपके पास एक ये फंक्शन है 1-2-3 ABC और ये फंक्शन आपके पास इस तरीके से मैप हो रहा है, ये सेट ए से लेकर सेट बी में डिफाइन है और मैपिंग का नाम एफ है। अब हम चाहते हैं कि एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करें जो बी से लगा के ए में डिफाइन हो और उस फंक्शन के अंडर ए का इमेज 1 आना चाहिए, बी का इमेज 2 आना चाहिए, सी का इमेज 3 आना चाहिए। दैट इज हम एक नए फंक्शन की तलाश में है जो ए बी सी, बी सेट से लगा के ए सेट की ओर डिफाइन हो और वो ए 1 पे जाना चाहिए, बी 2 पे जाना चाहिए और सी अगर आपके पास 3 पे जाना चाहिए, मतलब ये तीर का निशान है, तीर का निशान उल्टा आपके पास अगर हो रहा है। और ऐसा फंक्शन जो जी फंक्शन होता है ये एफ का इन्वर्स होता है, इसको हम इन्वर्स कहते हैं और फंक्शन एफ को इस केस के अंदर हम इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं। अगर सपोज मानिए ऑन टू नहीं होता, मतलब ऑन टू नहीं होता मतलब डी एलिमेंट आपके पास एक्स्ट्रा होता है और ये तो आपके पास सी पे जा रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि इसका इन्वर्स फंक्शन आप ढूंढने की कोशिश करें तो डी का, तो डी को तो आप कहीं भेज नहीं सकते, तो डी को आप कहीं भेज नहीं सकते तो इसका मतलब ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो इस केस में इन्वर्स फंक्शन तो हम इसको कैसे कह सकते हैं क्योंकि ये तो फंक्शन ही नहीं है, तो इसको ऑन टू तो होना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम चाहें कि अगर ये 1-1 नहीं है, जैसे कि ये लाइन आपके पास यहाँ से जाके यहाँ नहीं जाती और ये आपके पास इस तरीके का फंक्शन होता है और सपोज सी इसमें नहीं होता, सिर्फ ये फंक्शन 1-1 नहीं है, तो इस केस के अंदर बी की 2 प्री इमेज हो जाती है, 2 और 3। बी कहाँ से कहाँ जाता है, 2 और 3 पर, ये तो आपके पास लाइन नहीं होता, बी आपके पास 2 और 3 पर चला जाता है तो फिर आपके पास बी के यूनिक इमेज नहीं होती, इसके कारण ये फंक्शन ही नहीं बनता है। मतलब इन्वर्टिबल फंक्शन तभी एग्जिस्ट करता है जब आपके पास फंक्शन 1-1 और ऑन टू हो, अगर 1-1 और ऑन टू नहीं होता है तो उस फंक्शन, वो फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है और वो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होता है। अब हम फंक्शन के इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे और हम कंपोजिशन का किस तरीके से यूज़ करेंगे उसके कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो वेट फॉर ए सेकेंड, तब तक मैं आपका क्वेश्चन निकाल लेता हूं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को करते हैं। Insert screen clipping. Here we are. देखो इस पूरे क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आप क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है और हमने जो अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े क्या उसके अंदर ये कहीं पे एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, सो दैट इफ एफ फंक्शन आपके पास आर में से एक एलिमेंट निकाल रहा है वो 7/5, मतलब पूरा रियल नंबर है, सिर्फ 7/5 को निकाल लिया और कहाँ तक डिफाइन है, रियल नंबर में से 3/5 निकाल लिया, इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ये, मतलब फंक्शन इस सेट से इस सेट में डिफाइन है और उसका डेफिनेशन ये। एंड जी आपके पास इस सेट से लगा के इस सेट में, मतलब अगर इसको हम ए माने, ए से लगा के बी में डिफाइन है, तो जी आपके पास कहाँ से कहाँ डिफाइन है,
बी से लगा के ए में डिफाइन है, इज डिफाइंड बाई फंक्शन का डेफिनेशन ये है। देन एफ ओ जी को प्रूव करना आई ए के इक्वल, जी ओ एफ को प्रूव करना आई बी के इक्वल, वेयर ए इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू ए, और आई ए एक्स इक्वल टू एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू ए, आई बी मतलब आइडेंटिटी फंक्शन है, आई ए और आई बी दोनों आर कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन का डेफिनेशन इसने दे रखा है। हमको क्या करना है, हमको कंपोजिशन निकालना है, कंपोजिशन हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। और यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि ये देखो R में से 7/5 इसलिए निकाला है क्योंकि इस फंक्शन में x के जगह अगर मैं 7/5 पुट कर देता हूँ तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, और डिनोमिनेटर जैसे जीरो होता है तो फिर फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा, इसीलिए निकाला है। इसीलिए G में से ये 3/5 इसलिए निकाला है क्योंकि यहाँ पर 3/x की जगह 3/5 अगर वैल्यू पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, और जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो फंक्शन आपके पास डिफाइन नहीं रहेगा। तो अभी हम एफ ओ जी और जी ओ एक्स दोनों निकालते हैं। तो एफ ओ जी जब भी आपको निकालना है तो एफ ओ जी एक्स निकालना है इसका मतलब, और इसका मतलब एफ ब्रैकेट में आपके पास रहेगा जी एक्स। अब इसको ओपन करना है, जी एक्स का वैल्यू क्या है, जी एक्स का वैल्यू 7x + 4 5x - 3। अब इसको अच्छे से सॉल्व करना है f का वैल्यू। अब f फंक्शन किस तरीके से काम करता है देखिए, f का डेफिनेशन है एफ एक्स इक्वल टू आपके पास आ रहा है 3x + 4 डिवाइडेड बाई 5x - 7। इसका मतलब ये कि अगर आपके पास x अगर यहाँ पे है तो x इस जगह आएगा, इस जगह आएगा, बाकी कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेंगे। तो f फंक्शन में देखिए आपके पास सबसे पहले 3 के बाद में x, तो x की जगह हमारे पास क्या आएगा 7x + 4 5x - 3 + 4 डिवाइडेड बाई 5x। तो 5 की जगह 5, x की जगह आपके पास 7x + 4 5x - 3 और -7 आपके पास आ, तो -7 ये आ गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं, देखते क्या आता है। यहाँ पे मैंने इसको सोल्व करना स्टार्ट किया तो आप इस वाले को डिनोमिनेटर को एलसीएम अगर आप लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 3 7x + 4 - sorry + 4 यहाँ पर जाएगा 5x - 3 और डिनोमिनेटर में आ रहा 5x - 3। ये वाला टर्म अगर आप सोल्व करेंगे तो 5 7x + 4 - 7 5x - 3 डिवाइडेड बाई 5x + 3 तो 5x - 3 तो आपका ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो ओवरऑल टर्मिनोलॉजी बचेगी उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 × 7 21x + 3 × 4 12 + 4 + 5x 20x मल्टीप्लाई हुआ तो 4 - 3 - 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 4 × 7 = 35x 4 × 5 × 4 = 20 -7 × 5 = 35x -7 + 3 हो जाएगा आपके पास 21। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 12 माइनस का 12 कैंसिल हो गया, 35x प्लस का माइनस का 35x कैंसिल हो गया तो आपके पास है 21x डिवाइडेड बाई 21x + 20 दोनों मिलके हो जाएंगे 41x और यहाँ पे 20 और 21 दोनों प्लस का तो इसका मतलब हो गया 41। इसका मतलब आपका आंसर आ गया x। तो आपके पास क्या है देखो f o g x के अंदर डाला तो आपके पास x आ गया। अब इस फंक्शन को अलग तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको सोचना पड़ेगा कि एफ ओ जी कहाँ से कहाँ डिफाइन है क्योंकि x डाला तो x निकल के आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन तो श्योर होगा कि ये i के इक्वल आएगा। अब यहाँ पर सेट a लिखेंगे सेट b लिखेंगे वो कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है। तो एफ ओ जी अगर आप देखेंगे तो उसका पहला फंक्शन है g और g जहाँ से डिफाइन है वहाँ से ही एफ ओ जी आपका डिफाइन होगा। तो g आपके पास आपको पता है कि b सेट से डिफाइन है, b से लगा के a में, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा b। आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए।
जो भी आपके पास देखो एफओजी फंक्शन अगर है तो वो फंक्शन स्टार्ट होता है जी से स्टार्ट होता है, फिर दूसरे नंबर पर आता है ऐप, और जी जहां से डिफाइन हो रहा है वही इस ओवरऑल फंक्शन का भी डोमेन होता है। तो जी बी से डिफाइन हो रहा है इसलिए ओवरऑल फंक्शन का डोमेन भी आपके पास बी हो गया, इसीलिए आइडेंटिटी फंक्शन है और जहां से जो डोमेन होता है उसके यहां पे हम वो सेट लिखते हैं, तो आई बी के इक्वल आ गया। और यही तो मैं प्रूव करना था कि जी ओ एफ ओ जी एक्स आपके पास आई बी के इक्वल आएगा, और सिमिलरली हमको प्रूव करना है जी ओ एफ एक्स इक्वल टू आई ए, तो इसको भी इसी तरीके से प्रूव किया जा सकता है। तो जी ओ एफ मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ जी ओ एफ एक्स, आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स, और एक्स आ गया तो इसका मतलब आप आइडेंटिटी फंक्शन लिखेंगे, और ये फंक्शन जब भी आप देखेंगे तो ये फंक्शन का सेकंड वाला फंक्शन है वहाँ से डिफाइन हो रहा है, वहाँ से डिफाइन हो रहा है इसका मतलब ए से लगा के बी में एफ, एफ आपके पास ए से लगा के बी में जा रहा है, तो ओवरऑल जी ओ एफ होगा वो ए से डिफाइन होगा, और ए से डिफाइन होगा तो आपके पास यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन के लिए आई ए लिखा जाएगा। तो ये दोनों जो चीज़ आपको क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए बोल दिया है वो आपके पास आ गया। लेकिन अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आपका चेंज होता है इस तरीके से आता है कि एफ एक्स जी एक्स आपके पास एज इट इज दे रखे हैं, और वो कहता है कि प्रूव दैट एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के इनवर्स है, तो आपको क्या स्टेप करना पड़ता? आपको स्टेप सिर्फ यही करना पड़ता कि एफ ओ जी एक्स निकालते वो आपके पास x के इक्वल आ गया, और जी ओ एफ एक्स निकालते वो आपके पास x के इक्वल आ गया। मतलब अगर ये दोनों फंक्शन अगर इक्वल आ जाते हैं तो फिर वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। मतलब आपको ये स्टेप करना पड़ता, एफ ओ जी एक्स निकालना होता, जी ओ एफ एक्स निकालना, दोनों की वैल्यू अगर x आ गई तो इसका मतलब एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब आप यहाँ पे देखिए, हमने इनवर्स निकालने का स्टेप नहीं बताया, हमें फंक्शन दे रखे थे और कहा गया था कि एक दूसरे के इनवर्स है तो वो प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा। और अगर आपको इनवर्स निकालना है तो उसके लिए आपको स्टेप दूसरा करना पड़ेगा। जैसे इसी फंक्शन के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम ये आपके पास देखिए जी एक्स, ये जी एक्स था, जी एक्स का इनवर्स हम निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या आता है। इसी क्वेश्चन में अगर हम बढ़ा दिया जाए कि फाइंड द इनवर्स ऑफ जी, आपको क्वेश्चन में सिर्फ आ गया फाइंड द इनवर्स ऑफ जी वेयर जी इज डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए द अबव सेट सेट एंड डेफिनेशन ऑफ जी एक्स इक्वल टू, क्या डेफिनेशन है, 7x प्लस 4 5x माइनस 3, 7x प्लस 4 5x माइनस 3। मतलब क्वेश्चन आपके सिर्फ ये आया कि फाइंड द इनवर्स ऑफ जी, इस सेट से यहाँ पे डिफाइन है जी एक्स इक्वल टू ए, तो आप क्या करते हैं इनवर्स आप किस तरीके से निकालते हैं? तो इनवर्स निकालने का तरीका आपके पास क्या है, तो लेट जिस चीज़ जिस फंक्शन का भी इनवर्स निकालना उसको वाई के इक्वल सपोज करो, और फिर जी एक्स का जितना भी वैल्यू हो यहाँ पर रखो, तो इसका वैल्यू 7x प्लस 4 5x माइनस 3 इक्वल टू वाई। अब इस इक्वेशन की हेल्प से आपको x का वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ y, तो इसको सोल्व करना स्टार्ट किया, 7x प्लस 4 इक्वल टू 5x माइनस 3 इंटू वाई, इसको सिंप्लीफाई किया, 7x प्लस 4 5xy माइनस 3y, x वाली x का वैल्यू निकालना मतलब x की टर्म को एक साथ करेंगे, 7x प्लस 5xy, ये 4 आपके पास इधर गया तो माइनस 4 माइनस 3y, एक्स इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5x प्लस 7, और यहाँ पे आ गया माइनस को हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 3y प्लस 4, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 5y प्लस 7, ये आपके पास क्या है 5y प्लस 7, x अगर कॉमन निकालते तो 5 y यहाँ पे बचता और 7 यहाँ पे बचता है, तो आपके पास x का इवेंचुअली वैल्यू क्या आएगा, माइनस ऑफ 3y, यहां पे ये मैंने गलत लिखा है, 7x प्लस 4 इक्वल टू 5xy माइनस 3y हो गया,
अब आपका एक्स का वैल्यू निकालना, तो ये आपके पास माइनस का आएगा, इसकी वजह से ये आपके पास माइनस का है, और 5xy ऑलरेडी आपके पास इधर आ गया, माइनस 3y माइनस 4, ठीक है, ये आपके पास माइनस यहाँ पर आ रहा है, तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस आपके पास यहाँ पे है 3y प्लस 4, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगा 5y माइनस y माइनस का रहेगा, तो सॉरी 7 माइनस 5y, यहाँ पर आपको इसको चेंज करना, 7 माइनस 5y आ रहा है। अब इस माइनस को अगर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वैल्यू आपके पास आ गया 3y प्लस 4, मल्टीप्लाई किया तो 5y प्लस 7, और यही तो फंक्शन आपके पास, इस फंक्शन का इन्वर्स यहाँ पे डिफाइन किया गया था। तो इन्वर्स के लिए बेसिकली यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा बहुत, आप इसको थोड़ा अच्छे से चेक कीजिए, कैलकुलेशन मेरा बहुत वीक है, तो आप स्टेप को देखिए कि स्टेप में आपको क्या करना है। आपको जब भी किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना है तो लेट जी एक्स इक्वल टू वाई, जी का इन्वर्स निकालना तो वाई के इक्वल सपोज कीजिए, फिर उस एक्सप्रेशन की हेल्प से आप एक्स का वैल्यू निकालिए, और x का वैल्यू ये अगर आपके पास आ गया तो आपके पास g इनवर्स y जो है g का इनवर्स है वो आपके पास क्या आ जाएगा 3y प्लस 4 5y प्लस 7 और माइनस 7 यू हैव टू चेक इट, ये आपके पास इसका इनवर्स आपके पास आ गया है। तो इनवर्स निकालने के लिए आपके पास स्टेप ये, तो अगर आपने इनवर्स निकालना यहाँ पर सीख लिया है, इनवर्स का क्वेश्चन का आपको और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आपके पास ये जाके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जब कभी आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि प्रूव दैट ए फंक्शन इज इन्वर्टिबल फंक्शन, तो इन्वर्टिबल फंक्शन अगर आपको प्रूव करना तो आप दो स्टेप कर सकते हैं, एक तो आप उसका इन्वर्स निकालिए, इन्वर्स निकालने के बाद उन दोनों का कंपोजिशन लीजिए, कंपोजिशन आपके पास आइडेंटिटी इक्वल आ जाएगा, या दूसरा तरीका है कि जिसको भी आपको इन्वर्टिबल प्रूव करना है उस फंक्शन को आप 1-1-1 प्रूव कर दीजिए, तो अगर 1-1-1 प्रूफ हो गया तो इसका मतलब वो फंक्शन आपके पास इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तो ये थर्ड नंबर का लेक्चर था, फोर्थ नंबर का लेक्चर आपके पास एक मिसलिनियस का एक्सरसाइज में सोल्व करवाऊंगा, जिसको हमको 1-1-1 प्रूफ करना है, और जो मोस्टली कई बुक्स में इवन ऑन द इंटरनेट दैट इज रॉन्गली सॉल्व, और जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं या आप IIT का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको हर वीडियो इस चैनल पर मिलेगा। तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही, आपका दिन शुभ हो।